Sir. Yes, good morning to all of you, the student of 7th class. I'm live from the school. My name is Neeraj Kumar Sah. I'm the teacher of English. So that's this is time to do our grammar. And your topic is a very interesting and very useful subject, verb and agreement. Lots of students by call, by chat, sir, please teach us subject, verb and agreement after that marriage. So that's first time talking about the subject, verb and agreement. It's very simple and you always use this agreement, okay? Subject, and first of all I want to introduce the subject. What is the difference between subject, verb and agreement, okay? Subject or verb mein agreement hota hai, okay? Isko hum log padhenge एकदम से डीपली जाकर के. तो सबसे पहले आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ज्वाइन में वेरी फास्ट आफ्टर दैट स्टार्ट द एनर्जेटिक क्लास एंड ऑल द स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्टेड यू कंसंट्रेट योर माइंड एंड ऑब्जर्व द सेंटेंसेस वर्ड्स एंड टीचिंग बाय योर टीचर. ओके, नाउ ज्वाइन मी वेरी फास्ट आफ्टर दैट आई कैन स्टार्ट योर क्लास. ओके, नाउ वेरी गुड ऑल स्टूडेंट्स प्लीज. Very good. And nine students this time join with me. So fast. Join with me very fast. After that I started the class. I will start the class. So that's first of all. Now fast. Join me very fast. Yes, how many students? स्टूडेंट वेरी गुड आदित्यानंद रवकीवाड़ी स्नेहा कुमारी अंकित गुप्ता प्रेरणा साह रोहित कुमार अंकुश अनुष्का श्री मुस्कान यादव सबाई एवं प्रवीण संतोष. यस, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट ज्वाइन दिस टाइम. ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट एंड सेकेंड नेम ऑफ दिस चैप्टर इज सिंटैक्स. आप सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट को आप सिंटैक्स भी बोल सकते हो. यू कैन से अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सिंटैक्स आल्सो. ओके, नाउ डोंट वेस्ट टाइम एंड कंसंट्रेट योर माइंड हियर एंड एनी क्वेश्चन सपोज आई टीच यू. ओके, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एंड यू हैव सम प्रॉब्लम. ओके, सम क्वेश्चंस, देन डोंट विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी. ओके, डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर. ओके, नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर द योर क्लास एंड सब. आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट. इसमें होता क्या है, तो सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सिंटैक्स. यू कैन से इन अदर वर्ड्स सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट द सेकेंड नेम ऑफ this I mean the syntax. So that's syntax and subject verb and agreement are similar. Okay, so that's ab hum baat karte hain. I'm talking about the what is the work of subject verb in agreement. Agreement aakhir isme kya hota hai, to agreement kya hota hai ki subject ke sath kaun sa verb ka use hoga usko agreement bolte hain. यानी कि आप पे हम एग्रीमेंट करते हैं कि आखिर आप कौन सा यूज कीजिएगा. कभी कभी क्या होता है कि लगेगा क्या कि इसमें तो हम सिंगुलर यूज करेंगे बट हो जाता है मतलब प्लुरल. तो वो एग्रीमेंट जो होता है इसमें सिखाया जाता है किसके साथ में कौन किसका यूज होता है. ओके, नाउ एनी प्रॉब्लम, समझ रहे हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट. ऑल द स्टूडेंट प्लीज थम्स अप लाइक दैट थम्स अप, अदरवाइज यू कैन से यस सर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी नाउ. All the students, concentrate your mind here and don't waste time. All the students, say yes sir or no sir. Are you getting my point? All the students, with energetic. Yes sir, I'm getting your point. Okay. Rohit Kumar, well done. Ankit Kumar, yes sir. Very good. Okay. Very good. Fully energetic के साथ class करना है, ठीक है? जब भी class में आओ आप, during online classes, तो आप एकदम से energetic रहो. Energetic, that means sir, एक्टिव रहो. जैसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, देन यू इंस्टेंटली आप रिप्लाई करो, दैट इज द कंसंट्रेशन, दैट इज द रियल प्रेजेंटेशन. बट यू कांट डू दैट टाइप्स ऑफ, आप ये नहीं कर सकते हो. योर माइंड मेंटेलिटी इज दैट आई कांट डू सच एज अ वर्क. ओके, इस तरह का आप काम नहीं कर सकते. बट यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ओके, सो लेट्स कंसंट्रेट माइंड हियर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दिस topic. I mean subject verb agreement, you can say syntax also. So that's definition is that syntax is that branch of English language. Syntax is that branch of English language in which we
study the art of using correct verb. यानी कि syntax हम क्या करते हैं, तो हम लोग के पास एक art होता है जिसके according हम verb का use करते हैं. Yes, auxiliary verb. Very good. Nice. So good. Yes, समझ रहे हो ना? तो ये हम लोग इस एक आर्ट होता है सिंटेक्स के. सिंटेक्स इज दैट, आई मीन सिंटेक्स इज अ ब्रांच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. अब यहाँ पे ब्रांच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्यों कहा गया? क्वेश्चन ये उठ सकता है, यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, सर ब्रांच ऑफ इंग्लिश व्हाई से यू दैट इट इज इट्स अ ब्रांच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू नो वेरी वेल दैट विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब यू कांट मेक अ सेंस मेक अ सेंटेंस देन हाउ कैन यू से दैट, है ना? हम क्वेश्चन करें हाउ कैन यू से दे. तो आप जब भी ब्रांच बोलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के ब्रांच है तो यू कैन से इट्स परफेक्टली राइट. इट्स राइट एंड व्हिच वी हैव स्टडी द आर्ट ऑफ यूजिंग करेक्ट वर्ब. यानी कि हम लोग उसका आर्ट रखते हैं, हम लोग उसका यूज करते हैं कि कहां पे कौन सा वर्ब का यूज होगा. दैट इज कॉल्ड अ सिंटैक्स, दैट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट. ओके नाउ एनी प्रॉब्लम? Have you any problem? Tell me now. Have you any problem? Tell me all the friends. Don't waste time. You always like that squirrel that is a spray. I mean, purtila jaisa hota hai na, waise aap log energetic rahiye during the online classes. Okay? Don't hesitate and don't fear. Aur hamesha wo jaise question jaye udhar se answer aana chahiye. Just like use the chat box and like that speed very fast. Okay? Now, very good. Very good, very good. Good effort. All the students. Like that, जैसे आपको एक्टिव मिलेगा ना, अब देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट एग्रीमेंट का सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट फर्स्ट हम बात कर रहे हैं. कॉन्सेप्ट फर्स्ट. यस, यू कैन राइट, आप लोग इसको लिख लीजिए, यू कैन राइट डाउन, आप लोग इसे लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. I want to erase it. Okay? इसके बाद मैं मिटाऊंगा. जल्दी फास्ट. Come on, all the students. You can take a screenshot, otherwise you can write down fast. All the students, please. Don't waste time. Fast, all the students. Done. All the students said, What are you doing? All the students. Class 7th class. The student of 7th class, what are you doing? Come on, hurry up. Do your work fast. Not like that, talk twice. Like that, not like that. Like that, talk twice. Okay, like that, lion. Like that, tiger. Like that, lots of chimpanzee. Okay. Now. No sir, no problem. Very good. Isi ka tumhari dance hai. Okay. And some students join this time. What is going on? Join on time. All the students requested to you, not to, requested you, join on time. That means on time. Okay. Now, very good. Now, first concept of the subject verb agreement is that first concept. ये नॉर्मल है, ये सिंपल है. फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट सिंगुलर, देन वर्ब आल्सो सिंगुलर. ओके एंड वर्ब सब्जेक्ट प्लुरल, देन वर्ब आल्सो. अब यहाँ पे देखिए, सो ऑल स्टूडेंट्स, सभी चीज को एकदम से ध्यान से देखना है, कॉन्सेंट्रेट. यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप पढ़ भी रहे हो कुछ और भी कर रहे हो, है ना? ये काम नहीं करना है. लुक हियर, फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट इज दैट इफ सब्जेक्ट सिंगुलर देन वर्ब आल्सो सिंगुलर एंड सब्जेक्ट प्लुरल दैट्स वर्ब आल्सो प्लुरल. लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल. ओके एग्जांपल हम बात करते हैं. ओके सबसे पहले हम लिखते हैं teacher. Teacher is teaching me. Teacher मुझे पढ़ा रही है. The subject singular, then verb is singular. Are you getting my point? And next is teachers are
teaching me. Now, all students, look here. Subject singular, then verb in plural. Verb is singular. Subject singular. Verb is singular. Subject plural. Verb is plural. Are you getting my point, everyone? Tell me. No, Anju Gupta. Who is that? Try to understand, okay? Don't be over smart. Okay? समझने की कोशिश करो, जो आपके पास है ऑलरेडी आपके पास है, जो नहीं है उसको समझेंगे तो बेटर होगा, बेस्ट होगा. ओके, आप सबसे पहले अब जो बता रहे हैं उसको नोट कीजिए, अदरवाइज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, नाउ फास्ट ऑल स्टूडेंट्स, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, अदरवाइज यू कैन राइट इट फास्ट. इट हैज सम मेनी रूल्स, सो प्लीज फास्ट. Do you walk very fast? Fast. Just have you any problem? No. Done, sir. Very good. Very good. Okay, it's done. Okay, very good. Concept number two. Okay, concept number two. Noun and noun. Then verb kya hoga babu? Plural. Okay, agar noun koi rehta hai aur ek baar fir se noun rehta hai, iska matlab ki verb kya hoga? Toh yahan pe plural hoga. As for example for this concept. Okay, example kya hoga? Jaise hum bolte hain student and teacher are visible. अब एक ये नाम हो गया और एक ये नाम हो गया, और दोनों जब नाम मिलते हैं तो हमें क्या लग जाएगा बाबू? आग लग जाएगा. अब एक समझने के लिए कॉन्सेप्ट हमने रेडी किया. हमने एक कॉन्सेप्ट क्या रेडी किया बाबू? हमने क्या रेडी किया? आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, सबको याद करने से वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा. कॉन्सेप्ट, ओके. अब देखिए यहाँ, अपने हमने क्या एक नाम हो गया, और आपको पता है कि सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है. तो जब एक नाम होगा तो सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ पे दो नाम हो गया तो दोनों तो दो सिंगुलर हो सकता है क्या? दोनों प्लुरल ना हो जाएगा, तो इसीलिए हम वर्ब भी क्या करेंगे? नोट इट डाउन वेरी फास्ट दैट स्टूडेंट एंड टीचर आर गोइंग टू मार्केट या स्कूल, कुछ भी नहीं सकते हो. यू कैन राइट डाउन वेरी फास्ट, जल्दी कम ऑन All students. All students, do fast. Do you walk? Come on. Don't waste time. Fast. Fast. Okay, very good. And concept number three. अब एक क्षण ऐसा भी होता है कि concept number three नाम भी रहता है और नाम भी रहता है, दोनों नाम, लेकिन ये बन जाता है बाबू क्या? बाबू क्या बन जाता है? तो सिंगल बन जाता है. एक एक चीज को समझ लेंगे, ढंग से समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा. जिसको हम बोलते हैं, जैसे दो चीज होते हैं, एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं हम लोग राइस एंड करी, बोलते हैं ना राइस एंड. ओके, अभी एनी क्वेश्चन? नो, वेरी गुड. सभी लोग ध्यान से समझें, कोई भी दिक्कत जहां पर प्रॉब्लम आएगा ना, हम डायरेक्ट बोल देंगे, ठीक है? ओके, राइस एंड कड़ी, ब्रेड एंड बटर होता है ना, ये हो गया आपका. वेरी गुड. ब्रेड एंड बटर,
अब देखिए यहाँ पे आप इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, ये जो होते हैं पार्सल, अभिन्न अंग, क्या बोलते हैं इसको, अभिन्न अंग। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ऑल द स्टूडेंट्स वेरी गुड, लिसन मी एवरीवन, लिसन मी ऑल द स्टूडेंट्स। अब देखिए अब कुछ अभी हमने क्या बताया कि नाउन जो है वो प्रीसेंट एक बार अगर नाउन आता है तो वो सिंगुलर हो, वो प्लुरल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बताया कि नाउन भी रहे और यहाँ पे भी नाउन रहे तो ये क्या हो जाता है बाबू, ये हो जाता है आपका सिंगुलर। देन हाउ रूल इज दैट राइस एंड कड़ी, तो क्या इसको बोलते हैं पार्ट एंड पार्सल, इसको क्या बोलते हैं पार्ट एंड पार्सल। अब बताओ राइस के बिना कड़ी रह सकता है क्या, जैसे हम लोग रसी राइस करी की बात करते हैं, हम लोग ब्रेड और बटर की बात करते हैं, तो ये एक उसके साथ अभिन्न अंग है ना, ये अभिन्न अंग जब भी आएंगे ना, जैसे इस तरह का सब्जेक्ट ये आता है वर्ड आता है तो उसमें आप वर्ड भी क्या कीजिएगा सिंगुलर ही डालिए। बात समझ आ रही है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल द स्टूडेंट्स, are you getting my point all the students, please tell me, don't waste time, don't waste time, okay very good, very good Satyam Kumar, yes 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 very good, very good, okay clear, you can write down, you can write down, otherwise you can take a screenshot, very good, okay very good. Next concept number 4, concept number 4, concept number 4 and it's important for you, okay, ye aapka jyada question aapke book mein jyada question diya hoga, okay yahan pe dekhenge each every Either, neither, ये चार है ना बाबू, टू केयर ईच एवरी आइदर एंड नाइदर, और ये क्या होता है ये इसके बाद नाउन भी होगा ना, जो नाउन भी होगा वो सिमिलर होगा, नाउन भी होगा वो क्या होगा एक ही बात, नाउन जो होगा इन लोग के साथ कैसा होगा बाबू सिमिलर होगा, सिंगुलर होगा, तो जब नाउन सिंगुलर होगा ना तो यहाँ पे वर्ब भी क्या होगा बाबू, तो वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर होगा, एनी डाउट, जब भी ईच रहे एवरी रहे आइदर रहे नाइदर रहे तो आजीवन कभी भी उसके साथ नाउन आएगा सिंगुलर ही आएगा, और जब नाउन सिंगुलर आएगा तो वर्ब को भी हम सिंगुलर लगाएंगे, एंड ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज, अंडरस्टैंड समझ आ रही है ना, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यानी कि ईच एवरी आइदर नाइदर, अगर किसी सेंटेंस में रहता है तो ये हमेशा से ये ध्यान में रखना कि बाबू क्या होता है तो नाउन उसका सिंगुलर ही होगा, नाउन उसका सिंगुलर ही होगा, नाउन एंड वर्ड भी यहाँ पे सिंगुलर होगा, ये आपके बुक में ज्यादातर क्वेश्चन इसी से है, ईच एवरी आइदर नाइदर, तो ये कभी भी सिंगुलर ही होता है, ओके ऑलवेज आजीवन पूरे लाइफ जब आप आइदर देखिएगा तो सिंगुलर का यूज करता है। नाउ फास्ट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, सुशील कुमार सर समझ में नहीं आ रहा है, ओके सुशील कुमार आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है ये बताएंगे, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है ये बताइए, सुशील कुमार ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ओके ध्यान दीजिएगा सभी लोग बाबू, यहाँ पे बताइए हमने क्या बोला, अभी हम क्या बोले हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 प्लीज टेल मी नाउ हैव यू एनी प्रॉब्लम फॉर दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है आपको, इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है प्लीज टेल मी यस और नो एवरीवन, इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है आप सभी को बाबू टेल मी, ये कौन है रोहित कुमार, आई थिंक यू आर द स्टूडेंट ऑफ छपरा ब्रांच, प्लीज टेल मी, एक्सेप्ट ऑल द स्टूडेंट्स बट यू हैव अ प्रॉब्लम, सुशील कुमार सिंह सर समझ में नहीं आ रहा, व्हाट इज नाउ टेल मी,
हमने क्या बताया, फोर नंबर कॉन्सेप्ट नंबर फोर, ईच एवरी आइदर नाइदर. ओके, लिसन टू वेरी केयरफुली. ईच एवरी आइदर एंड नाइदर इज यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन. ये जब भी आएगा ना तो उसके साथ सिंगुलर नाउन ही आएगा, और जब सिंगुलर नाउन आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट नंबर वन. सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब प्लुरल. ओके, नाउ आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल स्टूडेंट्स? वेरी गुड, वेरी गुड. एंड सुशील कुमार से ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके ओके, कंसंट्रेट योर माइंड हियर. इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर. सो जस्ट फॉर अ मिनट, इट्स अ वेरी सिंपल. ओके, नाउ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. देखिए इस कॉन्सेप्ट में आपको आपको एक ही चीज सीखना है, इस चैप्टर में आपको एक ही चीज सीखना है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. दैट इज द रियल पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, दैट इज द रियल पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. अगर इस चैप्टर में आपको ये चीज समझ में आ गया कि पूरा चैप्टर आप समझ गए कि सर ऐसे क्या होगा, बस ये दो तीन चार चार पांच रूल आपको सिर्फ याद रखने होंगे. ओके, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. यस, सुशील कुमार सेन, प्लीज टेल मी हैव यू एनी प्रॉब्लम? बताओ बाबू सुशील. ओके ओके, नाउ चलो हो गया ना, टाइप कर लीजिए अपना, लिख लिया सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए या आप लिख लो. ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. कॉन्सेप्ट नंबर फाइव देखेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर फाइव. अब देखिए ईच एवरी, आपके बुक में ज्यादातर क्वेश्चन ईच एवरी नॉ नाइदर आइदर से है. ठीक है, आप लोग इसी में ध्यान से देखिए. ओके, ईच एवरी नो प्लस नो रहे प्लस ईच एवरी नो रहे और ये नाउन है ना, नाउन, तो वर्ब क्या होगा? प्लुरल. वर्ब क्या होगा? वो प्लुरल. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? देखेंगे यहाँ पे ईच एवरी एंड नो, उसके बाद नाउन. ईच एवरी या नो, उसके बाद नाउन एंड ईच एवरी नो. ओके, अब देखिए यहाँ पे ऐसा सेंटेंस भी अगर रहता है ईच एवरी नो, यानी ईच रहे चाहे एवरी रहे चाहे नो रहे. ओके, ईच रहे एवरी रहे या नो रहे, है ना, इसके साथ में नाउन आता है. ईच ईच पर्सन, ईच बॉय, ईच डॉग, ईच गर्ल, ईच गर्ल, ईच, और उसके बाद कुछ वर्ब तो क्या हो जाता है, प्लुरल हो जाता है. ठीक है, ओके, कंप्लीटेड, फास्ट फास्ट, डोंट वेस्ट टाइम. सभी लोग जल्दी से करेंगे, जल्दी मॉन, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, रूल्स रहेंगे तो इजीली आप बना सकते हो. रूल सिर्फ रूल होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और एक जेनरिक रूल होता है कि अगर वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. कुछ कंडीशन है जहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बट सब जगह नहीं होगा. ओके 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 ओके, वेरी गुड. अब देखेंगे अब यहां पे क्या होगा, ईच ईच एवरी नो रहेगा ही रहेगा. ओके, क्लियर, साफ, ईच रहेगा प्लस यहां पे क्या रहेगा, न
नाउन रहे, वॉज क्या रहेगा? नाउन एंड। अब क्या रहेगा यहाँ पे? फिर से नाउन रहेगा, तो बाबू वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। फर्स्ट नोट इट, नोट इट डाउन फर्स्ट। कम ऑन एवरीवन, फर्स्ट फर्स्ट बाबू। अगर इच एवरी रहता है नो रहता है, ओके ओके, नो बॉय एंड गर्ल, तो वहां पर जब दो दो आते हैं ना, जब दो यहाँ पे नो आया इच बॉय एंड गर्ल, उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा? वर्ब सिंगुलर होगा, क्योंकि यहाँ पे इच एंड एवरी है। इच एवरी नो प्लस नाउन एंड प्लस नाउन, देन यू कैन यूज द वर्ब इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर। राइट डाउन फर्स्ट एवरीवन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड डन सर, वेरी गुड ओके, फास्ट फास्ट कम ऑन, वेरी गुड। कुछ नहीं देखना, बस रूल्स को याद रखने हैं, बाकी ऑलरेडी आपको पता है रूल्स। इच एवरी एंड नो प्लस नाउन अगर रहता है, उसमें फिर एक नाउन आता है, तो सिंगुलर वर्ब होगा। वहां पे बहुत अच्छे बच्चे, अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो वहां पे सिंगुलर लगा देते, प्लुरल लगा देते हैं। देखते हैं क्या कि यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे भी नाउन है, चलो यहाँ पे सिंगुलर होगा, प्लुरल होगा, लेकिन वहां पे सिंगुलर होता है। इसलिए ये सारे कुछ एक्सेप्शन हैं जो आप लोग को ध्यान से देखने होंगे। वर्ब क्या होगा? अब देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर सिक्स, सभी लोग ध्यान से एक बार एक समझ जाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट नंबर सिक्स, वी यू दे। अब आपके मन में क्या रहा होगा कि सर सर इसका मतलब कि सिर्फ ये इच है एवरी है, तो ये जब भी आ जाएगा इसका मतलब कि सिंगुलर ही होगा? ऐसा नहीं है, एकदम ध्यान में रखना है, ये तीन चीज याद में रखिए, वी यू दे, वी यू दे। और इसके बाद अगर इच भी आए एवरी भी आए तो वर्ब क्या होगा बाबू? तो वर्ब हो जाएगा आपका प्लुरल। हमेशा से एकदम कॉन्सेप्ट में, क्योंकि आप सोचिएगा क्या कि सर ये प्लुरल कैसे हो गया, तो यहाँ पे यू वी मतलब क्या? प्लुरल ही होता है ना, सिंगुलर ओके, बिकॉज इट्स थ्री वर्ड इज अ प्लुरल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? Yes, very good, very good, very good. Very good, very good. Well done. Okay, done it, completed, yes, very good. अच्छा सभी बच्चे बताएंगे कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं, आप ये समझ रहे हो कि नहीं, ये ढंग से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसा लगता था कि इतना हार्ड है, इजी लग रहा है कि नहीं? टेल मी नाउ, यस सर, टेल मी ऑल द स्टूडेंट्स, ऐसा लग रहा था कि बहुत हार्ड है सर, ये कैसे बनाएंगे, कैसे, ये तो बहुत हार्ड हुआ सर, बट अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू ट्रिक, ट्रिकी ग्रामर, ओके, नाउ टेल मी नाउ, अच्छा लग रहा है ना? जैसे अभी कुछ समय लग रहा होगा पहले कि अरे क्या सर इतना बड़ा बड़ा क्या है, समझ में नहीं आएगा, सेंटेंस समझ में नहीं आएगा, कैसे वहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन अभी कैसा लग रहा है बाबू? वेरी गुड सर, वाई डॉक्टर प्रवीण, वेरी गुड रकीब वारिस, यूसुफ अंसारी एंड अदर सब स्टूडेंट, यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ना गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑल द स्टूडेंट्स हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी विदाउट हेजिटेशन विदाउट फियर अब देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 7 ऑल मैनी ऑल मैनी बॉथ ऑल
he bought several, few, a few, the few, the few. अगर ये टोटल रहते हैं और प्लस नाउन अगर प्लूरल प्लस वर्ब भी क्या होता है? इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा. दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, नाउ ऑल द स्टूडेंट्स, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे. ओके, अब देखिए हमने क्या कहा. ऑल रहेगा, मैनी रहेगा. ध्यान से सुनिएगा ऑल द स्टूडेंट्स, लिसन मी वेरी केयरफुली. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रामर बुक. ओके, नाउ इसको ध्यान से सुनेंगे. मैनी रहेगा, ऑल रहेगा, बहुत रहेगा, सेवरल रहेगा, फ्यू रहेगा, ऑफ फ्यू रहेगा एंड द फ्यू रहेगा. ठीक है, अब देखिए ऑल है ना. अब यहाँ पे क्या होगा, तो जब ऑल आएगा ना, मैनी आएगा ना, बहुत आएगा ना, सेवरल आएगा, फ्यू आएगा, ऑफ फ्यू आएगा एंड द फ्यू आएगा, तो निश्चित रूप से नाउन भी क्या होगा, प्लूरल. जब ये लोग आएंगे ना, ये जितने भी वर्ड्स हमने बताया, अगर ये वर्ड आते हैं तो नाउन ऑब्वियसली प्लूरल होगा ही होगा. ओके, जब ये टोटल जो भी वर्ड हमने बताया अगर ये रहते हैं तो नाउन क्या होगा बाबू, नाउन हमेशा प्लूरल होगा. और जब नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा. राइट जॉन, अदरवाइज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. कम ऑन, कम ऑन, अंडरस्टैंड. Very good, very good, very good. Complete, to complete. Done, it's done, it's done. Very good, very good, very good, very good. All students see, आप सभी लोग बोलेंगे yes sir, आप सभी लोग बोलेंगे कि sir no problem, सभी लोग एक साथ. Okay, सभी लोग आप लोग एक साथ बोलेंगे कि yes sir, no problem, no problem. Fully energetic and active with active. ठीक है, आप active रहिए एकदम से, class जब चले तो एकदम energetic रहिए. That's तो मजा आएगा पढ़ने में ना. तो समझ देख रहे हो इक्वली, आपको समझ में आ रहा है ना. ऑल द एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम हुआ अभी तक? अभी तक में अभी तक बताएंगे टेल मी ऑल स्टूडेंट्स यस और नो. अभी तक के सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट आई मीन सिंटैक्स में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है यहाँ पे? टेल मी नाउ यस और नो, यस और नो प्लीज. टेल मी नाउ ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स. Very good, very good, very good. अब देखेंगे यहां पे कॉन्सेप्ट नंबर एक. अगर रहता है मैनी, क्या रहता है बाबू, मैनी प्लस क्या रहता है नाउन, अगर प्लूरल नाउन है तो वह भी क्या होगा बाबू, प्लूरल. Okay, okay. Then have you any problem? Then you can ask me. Okay, without hesitation, without fear. Okay. And second, अगर मैनी रहता है plus a, plus a, plus singular, singular, तो क्या होगा? भार भी क्या होगा? Singular होगा. Okay. Singular मतलब क्या? Singular noun. सिंगुलर नाउन. ओके, तो वर्ड भी क्या होगा, वन टू एंड थ्री. ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स दिस टाइम, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं लास्ट में ज्यादा ऐड हो रहा है ना, तो नोटिस भी करना पड़ रहा है. ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 28. ओके, 28. नाउ माइंड इट, इसको हमने आज कंसंट्रेशन रखा है इस पे. ओके,
अब देखेंगे मच, एक मच आता है, मच प्लस नाउन, और ये अनकाउंटेबल होता है, बहुत अच्छा रूल है, अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल सिंगुलर है, अनकाउंटेबल सिंगुलर है तो क्या हो जाता है, वर्ब भी सिंगुलर हो जाता है ना। अब ये तीन चीज को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 28 स्टूडेंट जो लोग many a singular noun अगर होता है, many a boy, many a boy, यानी many के साथ अगर एक का यूज होता है, और का यूज होता है, इसका मतलब कि क्या होगा बाबू, वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, बस समझ रहे हैं। और मच रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसमें सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, मच रहता है समझ लेते हैं क्या, उसमें तो सर क्वांटिटी होगा ना, मच होगा इसका मतलब उसमें तो पानी की बात किया जाएगा, अनकंफर्टेबल की बात की जाएगी, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए मच रहता है और उसके बाद अगर नाउन अनकंफर्टेबल रहता है और सिंगुलर रहता है, अनकंफर्टेबल रहता है और सिंगुलर रहता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि वर्ब आपका क्या होगा बाबू, वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगा, बात समझ आ रहा है ना, ओके यानी एक एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे मच, मच हमने लिखा, मच वाटर इज डर्टी, नहीं बोल सकते हैं, वहां पे हम क्या लगाएंगे बाबू, इज ही लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज ही लगाएंगे, नाउन अनकाउंटेबल सिंगुलर रहता है, अनकाउंटेबल और सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बाबू, वर्ड सिंगुलर ही लगाएंगे, दिस इज द रूल ऑफ मैनी, मैनी एंड मच, ध्यान से क्या देखना है, मैंने अगर रहता है तो नाम मैंने लगेगा तो नाम सिंगुलर आएगा, और नाम सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर होगा, दूसरा क्या होगा, मैंने रहता है उसके साथ ए रहता है तो इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर होगा, सीधे ट्रिकली समझिए, ट्रिकली समझिए, उस तरह इजी हो जाएगा, और मच रहता है उसके साथ नाउन रहता है वो भी अनकंफर्टेबल, तो वहाँ पे इजी होगा, यहाँ पे आप आर मत लगाइएगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा, यहाँ पे प्लुरल मत लगाए, चाहे वाच लगाए, चाहे वेयर लगाए, चाहे आपको जो मत करे वो लगाइए, लेकिन आपको सिंगुलर ही लगाना है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल द स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हम सबको समझे हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, चल मे एवरीवन, समझ में आ रहा है जी, अभी जो बताए हैं, यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, सिंटैक्स बहुत है बट इतना से आपका मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, इसलिए इतना बता दें, ओके। अब देखेंगे यहाँ पे आता है वर्ड देयर, है ना, एक आता है इज आता है, वाज आता है, आता है ना, स्टूडेंट्स वेरी गुड, नाम सिंगुलर, आर एंड वेयर, तो वर्ब क्या, प्रॉब्लम, वेरी गुड, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ऑल स्टूडेंट्स वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक सेंटेंस हमने एक वर्ड लिखा है देयर, तो देयर के साथ अगर इज रहता है नाउन भी सिंगुलर होगा, देयर के साथ वाज रहता है तो नाउन भी सिंगुलर होगा, देयर के साथ अगर आर रहता है तो वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब बोल रहा है नहीं, नाउन होगा ना, नाउन होता है, वर्ब नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा नाउन ही होता है, तो देयर के साथ इज रहता है तो नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, देयर के साथ वाज रहता है तो नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, अगर देयर के साथ आर रहता है तो नाउन भी प्लुरल होगा, और देयर के साथ वेयर रहता है तो नाउन भी प्लुरल होगा, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, now you can take a screenshot, otherwise you can write down but fast, okay, now come on, come on all the students, come on,
Do it. Come on. Very good. Now it is the subject, verb and agreement, and you can say in other words, syntax, it's a completed. And have you any question, any query, any problem, then you can ask me by chat. And 29%, who is 29%? Please tell me. 29 number pe kaun hai dua usko batayenge babu. Okay. Very good. Now this concept is clear. Tell me now. Very good. Now it's a time to our attendance. It's time to attendance. Okay. Now please write your name, roll number, and section. Please. Come on. Fast. आप पहले से ही अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन लिख कर रखिए। आप टेस्ट कर दीजिए, तुरंत इंस्टेंट जाएगा, अटेंडेंस बन गया कंप्लीटेड। ओके, आप लोग बाद में जो ये करते हो ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं। ओके, नाउ आप ऑलरेडी पहले ही कर लो, सबसे अच्छा है ना। वेरी गुड। सभी स्टूडेंट बहुत ही एक्टिव रहेंगे। जब भी क्लास हो ना, तो आप लोग एक्टिव रहिए। एक्टिव बोले तो आप एकदम से, जैसे क्वेश्चन कोई करता है उसके तत्पश्चात आप आंसर दीजिए, उसके इंस्टेंट आप आंसर दीजिए, है ना। इमीडिएटली एक्शन लीजिए, अगर क्वेश्चन है तुरंत एक्शन लेंगे, उसका एक्शन लेंगे, यानी कि उसको हम बनाएंगे, तुरंत सर के पास भेजेंगे। ओके, वेरी गुड। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग मी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द योर एग्जामिनेशन। ओके, आई होप all the students understood that. Okay, now, okay, thanks a lot, have a nice day, thank you, that's all.